नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। मारुति की मोस्ट फ्यूल इफिशियंट सेडान कार आप देख रहे हैं जिसका नाम है मारुति सुजुकी सियाज। गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि फ्यूल इफिशियंसी में आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प करती है। बेहतर इन फ्यूल इफिशियंसी के साथ साथ गाड़ी के अंदर जो फीचर्स आपको ऑफर करे गए हैं काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच लेवल के मिलते हैं। आज हम देखेंगे सियाज के अंदर फीचर्स आपको क्या मिलते हैं और गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह है आपको कहाँ तक पड़ती है उसके भी बारे में हम यहाँ पर भी बात करेंगे। गाड़ी अगर आप ऑन ग्राउंड देखते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। मल्टी स्पोक में डायमंड कट में अलॉय व्हील्स आपको इसमें दिए गए हैं। साइड की तरफ से अगर आप इसके देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ही लगते हैं जब आप इसको रोड्स के ऊपर देखेंगे तो। सामने का जो लुक है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा एक एरोडायनामिक लगता है। खास करके जो व्हाइट कलर है ना इसके ऊपर गाड़ी का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शानदार लगता है। तो गाड़ी के अंदर क्या फीचर्स है उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। सामने की तरफ आपको इसमें क्या मिलता है यहाँ पर आप देखिए, आपको इसमें सामने की तरफ प्रोजेक्टर में लाइट्स मिलते हैं जो कि स्मोक ट्रीटमेंट के साथ में आते हैं। टर्न इंडिकेटर्स है, DRLs है। जो ग्रिल का डिज़ाइन है कम्प्लीटली ब्लैक फिनिश के अंदर आपको मिलता है, सुजुकी की ब्रांडिंग है। नीचे आएंगे ना तो फॉग लाइट्स है कम्प्लीटली आपके पास में जो कि क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में आती है। गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी के फीचर्स है काफ़ी शानदार लेवल के आपको मिलते हैं। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल और टोटल गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग्स ऑफर करी गई है। साइड की तरफ से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है अलॉय व्हील्स की वजह से। अलॉय व्हील अगर आप देखेंगे ना तो 16 इंचेस में अलॉय व्हील्स आपको इसमें दिए गए हैं। 195 सेक्शन के टायर से 55 की प्रोफाइल है और 16 इंच के ये ओवरऑल व्हील्स से मल्टी स्पोक में आते हैं ग्रे और सिल्वर फिनिश के अंदर। गाड़ी में मैकफेयरसन स्टड्स से सामने की तरफ जो कि हाईवेज के ऊपर गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। साइड में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओवरबीएम से आपके पास में LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ में आते हैं। कीलेस एंट्री आपको दोनों ही तरफ से मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रोम फिनिश में कम्प्लीटली डोर हैंडल से। और फ्यूल टैंक अगर आप देखेंगे गाड़ी का तो 43 लीटर्स का मिलता है। आप इसे अंदर से खोल सकते हो, बाहर से नहीं खुलेगा ये। पीछे के व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सामने वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। पीछे से आप देखिए गाड़ी का लुक, ये कुछ पीछे का कम्प्लीटली डिज़ाइन है। टेल लाइट्स जो आपको मिलते हैं क्रिस्टल इफेक्ट के साथ में आपको मिलते हैं। सियाज की ब्रांडिंग है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। 20 KMPL की फ्यूल इफिशियंसी के साथ में गाड़ी आती है। 4 इसमें आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। जो इसका रिवर्स कैमरा है वो आपको यहाँ पर जो कुछ देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बूट इसका खोलकर देखें, की अगर आप देखेंगे गाड़ी की तो कुछ ऐसी की है, स्मार्ट की आपको इसके अंदर यहाँ पर दी गई है। और बूट खोलने के लिए यहाँ पर आइए, कुछ बटन आपको मिलता है जिस तरीके से आप इसे कुछ खोल सकते हो। और 510 लीटर्स का बूट स्पेस है आपके पास में, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। वही अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो टूल किट वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है, सभी स्पेयर व्हील खोलने के जो सभी कुछ है टूल्स आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगे। पीछे अगर आप देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको यहाँ पर मिलता है और डीफॉगर का भी सिस्टम आपको मिलेगा। अगर आप साइड में आएंगे तो ये कुछ पूरा इसका साइड का प्रोफाइल है। आइए पीछे की सीट्स पर अभी चलते हैं। कम्प्लीटली क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स है आपके पास में। और अगर आप कलर फिनिश देखेंगे ना गाड़ी की इंटीरियर की, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लेवल की आपको मिलती है। कम्प्लीटली बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स से पावर स्क्रीन कंट्रोल है, नीचे स्पीकर्स का सिस्टम है और ग्लास डोर्स के लिए थोड़ी बहुत जगह आपको मिलती है। 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स इसमें आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो वुडन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि प्रीमियम लगता है काफ़ी ज़्यादा। सीट्स आप देखिए लेदराइट में सीट्स है कम्प्लीटली आपके पास में एक प्रीमियम फिनिश के साथ में आती है। अंदर अगर हम इसमें बैठेंगे तो सीट्स जो है मेरे हिसाब से अभी सेट है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस आपको ऑफर करती है। ऑब्वियसली पीछे के पैसेंस के लिए एसी के वेंट से यहाँ पर 12 का चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। पीछे के पैसेंस के लिए आमरेस भी है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। सन ब्लाइंड्स है आपके पास में, सन से प्रोटेक्शन के लिए पीछे की तरफ ये कुछ सन शेड्स भी आपको मिलते हैं। कम्प्लीटली लाइट्स के रिलेटेड यहाँ पर कंट्रोल से और पीछे की तरफ से जो व्यू आपको मिलता है फ्रंट डैशबोर्ड का वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। आइए ड्राइवर साइड डोर इसका अभी खोलकर देखते हैं। कम्प्लीटली कीलेस एंट्री है ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। अगर आप इंटीरियर का लेआउट देखेंगे कम्प्लीटली बेज ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या कंट्रोल्स है, आपको मिरर्स फोल्ड करने के कंट्रोल्स मिलते हैं। मिरर को फोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। लॉक ऑन लॉक के कंट्रोल्स है, 1 टच अप डाउन विंडो है और 4 विंडोज़ के कंट्रोल है। कम्प्लीटली अगर आप नीचे भी देखेंगे तो स्पीकर्स का सिस्टम है, ग्लास विंडोज़ के लिए जगह वगैरह आपको मिलती है। अगर हम इसमें अंदर की तरफ बैठेंगे ना, आइए अंदर की तरफ बैठते हैं और गाड़ी को हम अभी स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है आपको ये यहाँ पर मिलता है। और जैसे आप अंदर की तरफ बैठेंगे तो कुछ इस प्रकार से मतलब व्यू जो है फ्रंट डैशबोर्ड का वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छा मतलब एक पोजीशन पर आप बैठते हैं, कुछ ऐसे पोजीशन पर आप बैठेंगे गाड़ी के अंदर। डैशबोर्ड एक तरीके से फ्लैट डिज़ाइन के साथ में आता है जिससे कि विजिबिलिटी के मामले में आपको कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होगा। हॉर्न कुछ ऐसे आती है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, फॉग लाइट्स के कंट्रोल है और हेडलाइट्स की जो लेवल होती है ऊपर या नीचे आप यहाँ से कर सकते हो। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर जो है ना कुछ ये कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, म्यूट करने के कंट्रोल से, वैल्यूम को कम या ज़्यादा करने के कंट्रोल से, एक तरीके से म्यूजिक सिस्टम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे अगर आप आएंगे तो वॉइस कमांड के कंट्रोल है, फ़ोन उठाने के काटने के सभी कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। इस तरफ ये क्रूज़ कंट्रोल के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। वही अगर आप इसका स्पीडोमीटर देखते हो ना तो ये कुछ इसका स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
इस तरफ ये आरपीएम मीटर है, बीच में एमआईडी आता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, टाइम आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है, टेम्परेचर और क्या शो करता है, यहाँ पर फ्यूल इफिशेंसी के बारे में आपको बताएगा, कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कार कितने किलोमीटर तक चल सकती है, ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे फीचर आपको ये शो करेगा, और डिजिटल क्लॉक ये कुछ इस प्रकार से आपको बताएगा। म्यूजिक सिस्टम देखेंगे तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ वगैरह की कनेक्टिविटी मिलती है। सेटिंग्स में अगर आप देखते हो तो डिस्प्ले के रिलेटेड सभी सेटिंग्स है। डिस्प्ले की अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। क्लॉक वगैरह जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएगा, डेट वगैरह के जो कुछ सिस्टम है। 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स इसमें आपको मिलेंगे। एसी के कंट्रोल्स है सभी आपके पास में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। ये जो सिस्टम है ना ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप इसे खोल सकते हो, जिसके अंदर आपको 12 का चार्जिंग पोर्ट मिलता है और यूएसबी और ऑक्स की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है, और अंदर की तरफ आपको 2 ग्लास होल्डर्स के लिए जगह भी मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास में है सियाज में, हैंडब्रेक है और ग्लोबॉक्स में थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पर जो कुछ ज़रूर मिल जाएगी। ग्लोबॉक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस भी आपके पास में है। जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, जो फिनिश गाड़ी के अंदर मिलती है, एक तरीके से प्रीमियम सी फील आपको कराएगी। ऑटोमेटिक रियर व्यू मिरर है आपको सबके पास में, सनग्लास होल्डर है, लाइट्स के लेटर सभी कंट्रोल्स है, और ये भी कुछ सभी पैसर साइड वैनिटी है जिसमें मिरर भी आपको यहाँ पर जो कुछ मिल जाएगा। आइए गाड़ी का जो है ना फ्रंट बोनेट हम अभी आपको खोल के दिखाते हैं। बोनेट अगर हम इसमें खोल के देखेंगे, एक इंजन का ऑप्शन है 1500cc 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का। तो इंजन का जो लेआउट आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लेआउट आपको मिलता है कम्प्लीटली। बोनेट के ऊपर भी इंस्टॉलेशन वगैरह आपको मिलती है। बाकी इंजन की अगर हम इसमें बात करें, 1500cc 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। 103 bhp की ये पावर बनाता है, जो फ्यूल इफिशियंसी आपको गाड़ी के अंदर मिलेगी 20 kmpl की फ्यूल इफिशियंसी आप इसमें एक्सपेक्ट जो है जरूर कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं मारुति सुजुकी नेक्सा में, हम अभी शूट कर रहे हैं पुणे नगर हाईवे के ऊपर शुरू में। शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर हम गाड़ी का ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें, 13,40,000 rupees तक का ऑन रोड ये वेरिएंट आपको पड़ता है, टॉप एंड वेरिएंट आप अभी ये देख रहे हैं अल्फा मॉडल मैनुअल के साथ में, 13,40,000 rupees तक का ऑन रोड ये आपको पड़ता है। बाकी टेस्ट ड्राइव के लिए आप जरूर यहाँ पर आइए नेक्सा में। नेक्सा का अगर आप कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, साइड में ही आपका अरेना का आउटलेट भी यहाँ पर जो कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी सियाज आपको कैसे लगे आप हमें जरूर नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।